हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण लेटर, और साथ ही में हम आपको लेटर लिखने का सही तरीका बताएंगे कि किस प्रकार से लेटर लिखा जाए। काफ़ी बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ हैं कि लेटर किस प्रकार से बोर्ड एग्ज़ाम में लिखा जाए। कुछ बच्चों ने तो कमेंट भी किए थे कि मैम लेटर पर वीडियो बनाइए, लेटर को किस प्रकार से बोर्ड एग्ज़ाम में लिखा जाए। तो आज हम आपको बताएंगे लेटर लिखने का सही तरीका, साथ ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा और आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर स्लैश ब्रदर्स मैरिज। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है अपने दोस्त यानी कि अपने मित्र को अपने भाई या फिर बहन की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। तो यहाँ पे आपको अपने दोस्त को इनवाइट करना है अपनी बहन या फिर भाई के शादी में। ठीक है, तो यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो किस प्रकार से आप लिखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप अपने सिस्टर की शादी भी बता सकते हैं, आप अपने भाई की भी शादी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिस्टर की शादी में इनवाइट करने के लिए पत्र लिखने के लिए बताऊंगी आपको, लेटर लिखने के लिए बताऊंगी। तो किस प्रकार से लिखना है ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको एड्रेस डालना होगा। ठीक है, अगर आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है तो आप अपना एड्रेस डालिए, या फिर आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं तो आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो एड्रेस मैंने डाला है ये भी आप एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको डेट डालना है। ठीक है, तो 20 दिसंबर 2022 मैंने डाला है, ये आज ही का डेट है, आप भी ये डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे क्या लिखना है, आगे लिखना है माय डियर रिया। मैंने यहाँ पर रिया लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी फ्रेंड का जो भी नाम है आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप बॉय हैं तो आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप गर्ल हैं तो आप भी अपने दोस्त का नाम कुछ भी लिख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आई एम फाइन, होप यू आर फाइन टू। मतलब मैं खुश हूँ, आशा है आप भी ठीक होंगी। ठीक है, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है दैट कि द मैरिज ऑफ माई सिस्टर कविता इज ए फिक्स्ड फॉर 25 जनवरी। मेरी बहन कविता की शादी 25 जनवरी को तय है। ठीक है, आगे देखिए यू आर कार्डियली इन्वाइटेड टू द वेडिंग, शादी में आप सादर आमंत्रित हैं। यू विल रिसीव द फॉर्मल इनविटेशन कार्ड सून, आपको जल्द ही औपचारिक निमंत्रण प्राप्त होगा। मतलब आपको जल्द ही मेरा लेटर जो है आपको प्राप्त होगा। आगे देखिए क्या लिखना है, विथ लव एंड बेस्ट विशेष, प्यार और शुभकामनाओं के साथ। इसमें आगे लिखना है योर अफेक्शनेलिटी, और उसके बाद आपको अपना नाम लिख देना है। ठीक है, अगर आप किसी को भी लिख रहे हैं तो आप अपना नाम लिखिए, अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। देखिए सबसे पहले आपको एड्रेस डालना है, उसके बाद आपको डेट डालना है। ठीक है, जो भी डेट जिस डेट पे आप लिख रहे हैं वो डेट आपको डालना है। ठीक है, जिस भी डेट पे आप लिख रहे हैं, जैसे कि आज आप लिख रहे हैं तो आज का ही आप डेट डालेंगे, तो मैंने डाला है 20 दिसंबर 2022। ठीक है, उसके बाद आपको डालना है माय डियर फ्रेंड, माय डियर रिया, जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ये डाल देना है, इस प्रकार से आपको लिखना है, और यहाँ पे योर अफेक्शनेलिटी, और आप अपना नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, बहुत ही मैंने इजी वर्ड का प्रयोग किया है, आप इसे बहुत ही आसानी से याद भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में तो आपको पूरे के पूरे यानी कि फुल ऑफ फुल मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है,
फुल मार्क्स दिए जाएंगे, तो आप ऐसे ही लिखिए, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आपको लेटर लिखना है। लेटर लिखने का बेस्ट तरीका है ये, इस प्रकार से आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट है तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा और आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है या फिर किसी नए टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जल्द ही आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।